नमस्कार दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी का आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि किस तरीके से आखिरकार इस समय डॉक्टरनी बात करती हुई नजर आने वाली है लक्ष्मी और यहाँ पर ऋषि से, क्योंकि दोस्तों वो बताएगी कि आखिरकार रोहन को कितने समय के लिए क्योंकि लक्ष्मी की ज़रूरत है, क्योंकि दोस्तों एक ऐसे केयर की ज़रूरत है जिससे रोहन पूरी तरीका से जल्दी अपने आप को रिकवर कर ले। लेकिन यहाँ पर मलिष्का और नीलम लगातार ये बोलते हुए नजर आएंगे कि लक्ष्मी के पास में ही क्यों रहेगा, रोहन हमारा है, हमारे पास में रहेगा, ना कि लक्ष्मी के पास में रहने का क्या रीज़न है। जिसके बाद में ऋषि एक्शन लेगा और ऋषि बोलता हुआ नजर आएगा कि कोई भी किसी भी तरीका से लक्ष्मी को रोक टोक नहीं कर सकता है, क्योंकि लक्ष्मी जब चाहे जब ऋषि के साथ रह सकती है और रोहन को जब जब लक्ष्मी की ज़रूरत पड़ेगी रोहन रह सकता है। क्योंकि यहाँ पर बात खाली किसी शख्स की नहीं है कि कौन कैसे किससे प्यार करता है, बल्कि यह है कि एक इंसान की तबीयत ख़राब है और वो किसके साथ रहना चाहता है, वो भी उसी के ऊपर डिपेंड होता है। दोस्तों आप लोग जानते ही हैं, कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। शायद ऋषि और लक्ष्मी को एक दूसरे के करीब आने के लिए ये एक मौका ही मिल रहा है। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर ऋषि की बात की जाए तो ऋषि एक ऐसा शख्सियत रहा है कि उसने मलिष्का को ना कभी प्यार किया था और ना कभी प्यार कर पाएगा, और मलिष्का को पूरी ज़िंदगी ये पछताना ही रह जाएगा। क्योंकि अभी भी रीज़न यही है कि रोहन लक्ष्मी के पास में है और ऋषि चाहता भी यही है कि रोहन की अगर कोई देखभाल करे, रोहन के आसपास कोई रहे तो वो लक्ष्मी है, क्योंकि लक्ष्मी पर वो आँख मीच कर ही ट्रस्ट कर सकता है। लक्ष्मी वाकई में है भी वो ही शख्सियत। साथ ही दोस्तों आप लोगों के सामने मैं हूँ रोहित नागर। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताएं गाइस कैसी लग रही है आपको मेरी वीडियो। थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए, आप लोगों का बहुत बहुत